गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत अब हो रही है। पहुंच गए हैं हम अपने वर्क स्टेशन पे। थोड़ा सा आज लेट चल रहे हैं, टाइम हो गया है 9:30। हालांकि मैं उठ गया था तकरीबन 7:45 के करीब, पर लेथार्जिक था और मैंने सोचा यार आज कहीं और जाना तो है नहीं है। थोड़ा सा काम हालांकि लेट शुरू हुआ है, बट आज अभी तक चाय भी नहीं बनी है और अभी ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, बट उसको कंपनसेट करने के लिए आज आ गए हैं एप्पल्स, तो एप्पल्स खा लेते हैं। काम शुरू हो चुका है, ब्रेकफास्ट की तैयारी है, मतलब कर लेते हैं और फिर ब्रेकफास्ट खाएंगे और फिर उसके बाद काम करते रहेंगे और कहीं आज जाना तो है नहीं है। फिलहाल थोड़ी देर तक कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है। आज है 2 अक्टूबर, तो गांधी जयंती की छुट्टी भी है। अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर भी बंद है, वो कल भी बंद था संडे के कारण। देखते हैं जो भी होगा, मैं मिलूँगा आपको अगले अपडेट के साथ। तो जी, कैजुअली तैयार हो गए हैं क्योंकि फॉर्मल कोई आज मीटिंग्स नहीं है। अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर भी नहीं जाना है और टाइम अब हो गया है 12:17। थोड़ा सा बाहर गेड़ी मार के आते हैं और कुछ सामान लाना है। यार ये एक्चुअली जो ये बोर्ड है ना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है, जो इसके ये कनेक्टर्स होते हैं ना, ये प्लग के, ये सॉरी सॉकेट के, इसमें दिक्कत आ गई है। तो मेरे को ये, मैं ढूंढ रहा था, अक्सर मेरी आदत है कि मैं ऐसी चीज़ें ला के रखता हूँ पर आज मिले नहीं। लेके आते हैं, मार्केट चलते हैं, बाहर देखते हैं कहीं से मिलेंगे। आज वैसे तो 2 अक्टूबर है, दुकानें बंद होंगी, पर देखता हूँ उधर कहीं पे, कहीं और किसी दोस्त के यहाँ से, कहीं वर्कशॉप से, अपना एक स्टेशन हो रहा है वहाँ से, तो कहीं से मिलते हैं तो लेके आते हैं। ये रिपेयर करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सारे चार्जर्स लगते हैं मेरे, ये चार्जर्स, और ये देखो मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं कर पाया मैं। हालांकि मेरे पास कोई पॉइंट्स की कमी नहीं है, वो काफ़ी मैंने बना रखे हैं उधर भी, जो उस दिन बोर्ड्स नए बनाए थे वो भी हैं, ये वाला भी है और ये वाला भी है, बट जो जहाँ जिस जगह पे काम होता है वहीं होता है ना यार। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं बाहर, घेड़ी भी मारेंगे, देखाएंगे मार्केट में क्या हाल है, क्या खुला है, क्या बंद है, और वो सॉकेट्स लेके आते हैं, लगाते हैं और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले अपडेट के साथ। दुकानें तो ऑलमोस्ट सारी बंद थी, घेड़ी मारते मारते एक जगह पहुँचे जहाँ हमारा सामान रखा हुआ था। वहाँ से स्विच और सॉकेट बिल्कुल मिल चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 तो होने चाहिए, मैंने गिने नहीं, हालांकि स्विच और सॉकेट दोनों है, अगर 4 सॉकेट मिल गए बड़ा काम बन जाएगा। पहुंचते हैं घर पे और फिर अपडेट करते हैं अगला क्या होने वाला है। भूख भी लग जाती है यार, और रास्ते में से जाते जाते एक्चुअली निकल रहे थे इधर से, यही PVR सिनेमा, तो उसके सामने वही वाले जो बढ़िया पैकेजिंग और बढ़िया बनाते हैं पराठे। पिछली बार मैंने पराठों के चक्कर में आपको कुलचे गर्म होते हुए दिखा दिए थे, तो ये पराठे बन रहे हैं, अपने 2 पराठे ले लेते हैं और फिर घर पहुंच के छक के खाएंगे, यार भूख लग रही है बहुत तेज। आ गए हैं जी घर पे वापस, ये पराठे भी आ गए हैं और साथ में मटर या छोले जो भी कह लो वो आ गए हैं, हमारा कोल्ड ड्रिंक भी रेडी है। हालांकि ना अभी एक नया एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, मैं जैसे ही घर में घुसा पंखा चलाया तो हल्की सी सिहरन चली गई। मैंने फटाफट गूगल पे चेक किया तो टेम्परेचर बता दीजिए 32 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी लाइक हल्की हल्की ठंडक लगी मेरे को हवा के अंदर, और उसके बाद अचानक से 5-6 छींकें आछू 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 करके, पता नहीं शायद कोई एलर्जन कोई, जैसे पोलन का एलर्जन है हवा में घूम रहा है या कुछ ऐसा, वो लग गया मेरे को, मतलब एकदम से मैं शॉक्ड हो गया। मैं कहा यार अभी तो सिर्फ 2 अक्टूबर हुई है और ऐसा तो नहीं है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो मेरे को पंखे की हवा में ठंडक लग रही है। अब हालांकि पसीना आ रहा है क्योंकि पंखा बंद किया है आपसे बात करने के लिए, तो पंखा चला लेते हैं, थोड़ा स्पीड स्लो पे चला लेंगे, राइट, और खा लेते हैं ये खाना अपना। टाइम हो गया है अभी 1:30, तो आज खाना थोड़ा जल्दी खा रहे हैं क्योंकि भूख थोड़ा जल्दी लग गई थी भाई राइट, तो खाना खा लेंगे, थोड़ा सा काम जो पेंडिंग है वो ख़त्म कर लेंगे और फिर रेस्ट करूँगा थोड़ी देर और फिर मैं आपको मिलूँगा अगले अपडेट के साथ, मोस्ट प्रोबेबली शाम की चाय पे या उससे पहले अगर कुछ होता है तो मैं पहले आ जाऊँगा, राइट, बने रहो। तो जी हमारा ये स्विच बोर्ड जो हमारा चार्जर्स के लिए यूज़ होता है,
ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अभी फ़िलहाल, और ये टूटे हुए जो निकले हैं बीच में से, यू नो, ये सारे आपस में टूट गए थे, जिसकी वजह से किर 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 मतलब शॉर्ट सर्किट टाइप होता रहता था। तो ये हो गया जी, अब अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। हाँ जी, वो काम हो गया और अभी चाय की तैयारी है अलॉन्ग विद सम कुकीज़, और चाय पी लेते हैं और जो काम पेंडिंग है वो कर लेते हैं। 8 बजे जो है मैंने एक लाइव जो है अपना वीडियो करना है गुरुद्वारा सिंह सभा से रिलेटेड, तो वो वीडियो भी मेरे को 8 बजे करना है। उसके अंदर मेरे को जो समझ लो कि ब्यौरा देना है कि जो इलेक्शंस हुए उसमें क्या क्या कब कब हुआ, क्योंकि कुछ एक पार्टी जो है दूसरे वाली, जो लोग रह गए जिनको संगत ने सेवा नहीं दी है, उनकी तरफ से कुछ एक लीगल नोटिस मिला है मेरे को। एनीवेज, आप मेरा परिवार हो तो आपके साथ बातें शेयर करनी मेरी बनती हैं, जस्टिफाइड हैं। हालांकि मैं पूरी तरह से बिल्कुल तैयार हूँ, आई एम डेफिनेटली रेडी टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। मैं तो ओपन में बार बार कह रहा हूँ कि किसी को भी अगर भैया मेरी किसी भी कार्यशैली कार्य प्रणाली के ऊपर, मेरे सिस्टम के ऊपर किसी को भी डाउट आए तो डेफिनेटली दे कैन वॉक इन टू द कोर्ट, आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर। तो वो अल्टीमेटली लीगल नोटिस आ गया है, पता नहीं किस वजह से। मतलब ऐसा होता है कि यार मैंने हार और जीत की तो बात कभी करी नहीं। उस दिन गुरुद्वारे में भी बोला था कि संगत ने सेवा दी है, राइट, जीते हैं वाला वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, हार जीत वाली बात। अगर उनके मन में आ रहा है कि हम हार गए हैं और वो हार नहीं पचा पा रहे हैं, इट्स ओके, आई डोंट माइंड, राइट, आई एम स्टिल हैप्पी। और ये चाय पी लेते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं मेरे को तैयार करने हैं, मतलब हिसाब किताब का है ना भैया, तो है, राइट। सो उसके बाद फिर 8 बजे का लाइव है, और वही गुरुद्वारा वाला जो चैनल फेसबुक पेज है उसी के ऊपर लाइव करेंगे, ताकि वो ऑन रिकॉर्ड रहे हमेशा के लिए, राइट। सो चाय पी लेते हैं और वो काम की तैयारी कर लेते हैं, और काम कर लेते हैं फिर आपको मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, थोड़ा टाइम लगेगा। ख़त्म हो गया है गुरुद्वारा पेज के ऊपर जो लाइव था हमारा, वोट ऑफ अकाउंट या इनफैक्ट अकाउंट ऑफ वोटिंग जो भी था हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और अब निकलते हैं और थोड़ा वॉक करेंगे और साथ में लेके आएंगे खाना, राइट, फिर उसके बाद खाना खाएंगे और बाकी के प्रोसेस करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है अभी 9:25, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। फटाफट चलते हैं, कुछ खाने को लेके आते हैं और फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। ले लिया जी खाना आज अभी ढाबे से, और क्या लिया है एज़ यूजुअल घर चल के बताते हैं वीडियो क्लोज़ करने से पहले, और फिर मज़े से खाएंगे और आपको बताते हैं क्या है। आ गए हैं जी वापस घर पे खाना लेके, ये आ गया है आज फिर से मटर पनीर, और डिनर हमारा तैयार है, रोटियां हैं, सैलड है, मिर्ची है और चटनी तो है ही है सैलड के साथ, राइट। सो ये खाना खा लेते हैं और उसके बाद करेंगे इस वीडियो की एडिटिंग, इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ओ सॉरी, एक मिनट रुको एक ना बात याद आ गई, एक ना कहावत होती है, कहते हैं नोट तुड़ाया ते गया, ऐसे पंजाबी में एक कहावत होती है, मुंडा व्याया ते गया नोट तुड़ाया ते गया, बट यहाँ ना उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा ये हुआ है कि जिन्होंने नोट नहीं तुड़वाया उन्होंने गया। जैसे मेरा एक 2000 रुपये का नोट रह गया यार, वो मेरे को आज मिला है, तो हमने अगर तुड़ा लिया होता, मतलब हमने अगर खुला करवा लिया होता या कहीं खर्च कर लिया होता तो वो बच जाता, तो अब नोट नहीं तुड़ाया ते गया, वो कहावत झूठी हो गई, नोट तुड़ाया ते गया वाली, राइट। सो वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और यहाँ तक अगर देख ही लिया ना तो लाइक कर देना प्लीज़, आपका एक एक लाइक मेरे लिए हौसले की एक एक डोज के बराबर है, जैसे मैंने कई बार कहा है आपको, राइट। सो खाना खा लेते हैं, क्योंकि हर बार बोलता हूँ आज फिर बोल रहा हूँ, जीने के लिए खाना जरूरी है, खाने के लिए जीना जरूरी नहीं है मेरे लिए, राइट। सो जीना है तो खाना पड़ेगा, और आप अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके दबाना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।